सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे फ्री फायर का हो चुका है नारुतो के साथ कॉलैब, फ्री फायर एक्स नारुतो के साथ कॉलैब तो गाइस हो चुका है। लेकिन गाइस, जो फ्री फायर नारुतो की जो यहां पर आप लोगों को रिवार्ड देखने को मिलेंगे वो कब आएंगे, एंड वैसे जो नारुतो का जो कॉलैबोरेशन है वो अभी लॉन्चिंग नहीं हुआ है, लॉन्चिंग हुआ 2025 में, 2025 के अंदर आप लोगों को जो है यहाँ पर नारुतो का यहाँ पर क्या नाम है उसका नारुतो का कॉलैबोरेशन आप लोग 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को सारे रिवॉर्ड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इन सारे रिवॉर्ड के बारे में मैं बताने वाला हूँ और इसमें मैं तुम लोगों को अपना लकी व्हील के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर देने की लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, फ्री फायर एंड नारुतो का कोलैबोरेशन जो होगा गरीना वालों ने किया है, लेकिन वो लॉन्च होगा यहाँ पर 2025 में, 2025 के आसपास कभी भी यहाँ पर ये लॉन्च हो सकता है। उसके रिवॉर्ड मैं तुम सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहला जो आप लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, एंड आप लोगों को ये वाला एक लड़की का बंडल देखने को मिलेगा जिसका नाम नहीं है, अगर नाम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो पैंकिंग नाम तो इसका नहीं है, लेकिन अगर इसका नाम आएगा तो तुमको जरूर बता दूंगा। तो मेरे चैनल को प्लीज कर लेना एक सब्सक्राइब, ठीक है। एंड जो सेकंड रिवॉर्ड आप लोग देखने को मिलेगा, ये फेस पेंट, एंड फेस पेंट का स्किन जो देख ही सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा जहरीला, यानी मतलब कितने कड़वा सा लग रहा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन डायनासोर मतलब कुछ भी मान लो, बहुत ही ज़्यादा गोष्ठी है, कैसा भी लग रहा हो लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है। या नारुतो की तरफ से आया, एंड आप लोग जन्म लेगा फिर ये लुक चेंजर, ठीक है। एंड ये एक लुक चेंजर होने वाला है जो नारुतो की तरफ से ही आएगा, यानी नारुतो इवेंट के अंदर आएगा। एंड लुक चेंजर आग जैसा कितना ज़्यादा खतरनाक बीआईपी लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा लुक चेंजर वो कमेंट में बता देना। एंड इसके बाद एक इमोट देखने को मिलेगा, इसका इमोट का वीडियो तो नहीं है लेकिन इसकी शॉर्ट्स हैं जो मैंने आप ये खींच ली है तुम लोगों को दिखाने के लिए, ऑलरेडी आप लोग अपने जो दोस्त को जला सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग ये वाले इमोट देखने को मिलेगा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी खतरनाक होने वाला इसका वीडियो, अगर वीडियो को तुम लोग दिखा दूंगा। एंड आप लोग ये देखने में मिलेगा जो हमारे नाइफ का स्किन होने वाला है, ये बिल्कुल हम लोगों को फ्री में देखने में मिलेगा, इसके लिए हमको खेलना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, इसी चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। एंड ये आप लोगों को फ्री में देखने में मिलेगा, ठीक है। एक ही नाइफ का स्किन होने वाला है, दूसरा यहाँ पर होगा स्काइज का स्किन, जो भी आप लोगों को ये फ्री में भी मिल सकता है, इसका कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है, तो ये आप लोगों को फ्री में मिलेगा 100%, ठीक है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एंड 2025 में आएंगे, एंड ये आप लोगों के दो ग्लू वॉल निकल कर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर ग्लू वॉल है। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है, कौन सा वाला ग्लू वॉल अच्छा लग रहा है, रेड वाला या एंड ब्लू वाला, कौन सा वाला ग्लू वॉल आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है हम कमेंट में बता देना। तो चलिए अब नेक्स्ट रिवॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवॉर्ड है अपन लोगों का बनी वाला, ठीक है। एंड बनी में आप लोगों को ये वाली गन स्किन देखने को मिलेगा, ये नहीं पता चला लेकिन अभी तक ये कौन सी वाली गन स्किन है आप लोग कमेंट बताना, ये कौन सी वाली गन स्किन का जो बनी वाला लग रहा है। एंड बनी मंडल में आप लोगों को बैग आ जाएगा कुछ दिनों में, मैं बता दूंगा उसका कंफर्म डेट भी, ठीक है। एंड ये आप लोगों में लूट बॉक्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड रियल लग रहा है, ये बैग पैक भी कह सकते हैं, लूट बॉक्स भी कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन मेरे पास जो फोटो थे मैं आप लोग दिखा देता हूँ एकदम मस्त तरह से, ठीक है। एंड ये ग्लू वॉल की स्किन है जी, ग्लू वॉल तो कहते हैं हमको पता ही ग्लू वॉल ही है, तो ग्लू वॉल देख देते काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ब्लैक बनी बंडल जैसा ग्लू वॉल है एंड ऊपर से रेड भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ये वाला ग्लू वॉल, आप लोग कैसा कमेंट में बता देना। तो कहा देखिए, अब हम बात कर लेते हैं लकी व्हील के बारे में। लकी व्हील के अंदर आप लोगों को एक बंडल देखने को मिल रहा था जो है कुछ इस टाइप का था, ठीक है। लकी व्हील में आप लोगों को जो ये वाला बंडल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर लकरॉयल के अंदर, ठीक है। एंड ये भी ये लकरॉयल की लकी व्हील के बारे में बात करें तो लकी व्हील आएगा आप लोगों का 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में, आप लोगों का जो है यहाँ पर लकी व्हील आ जाएगा, यानी 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में यहाँ पर आप लोगों का जो है लकी व्हील आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। काफ़ी सारे बंदे पूछते हैं कि भाई लोग यहाँ पर अपने लोगों का मैजिक क्यूब वाला नए बंडल कितनी तारीख तक आ जाएंगे, तो मैं सारा कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले अभी तक तुम सब लोग इस वाले वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे कहने से आज का ये वाला वीडियो को सब लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैजिक क्यूब स्टोर कब होगा। तो अरे मैजिक क्यूब जो बंडल स्टोर एंड ये अपडेट तभी होंगे जब हम अपन लोगों का जो गेम का OB46 एंड OB47 कोई सा भी अपडेट आए, एंड हर अपडेट में अपन लोगों का जो है मैजिक क्यूब स्टोर चेंज किए जाते हैं। एंड अभी तुम लोगों बीच में यहाँ पर 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आप लोगों को एक मैजिक क्यूब देने मिला होगा जो आप लोगों को पता ही हो, 77 मिनट गेम खेलने पर मैजिक क्यूब मिला होगा, लेकिन आप लोगों को बंडल पसंद नहीं आ रहे तो आप लोगों को अगले अपडेट तक वेट करना पड़ेगा। एंड अगले अपडेट तक वेट करोगे तो आप लोग तभी यहाँ पर बंडल चेंज होंगे, ठीक है। बंडल का रिव्यू भी कर दूंगा मैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरा क्या कर देना सब्सक्राइब, ठीक है।
तो आज की वीडियो बस सिर्फ इतना है, जितना मेरे पास अपडेट था एंड नोटिफिकेशन था जितना मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।